और मैं हूं हैंडसम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फेयर एंड हैंडसम। सो गाइस, मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को ढेर सारा आप सबका प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियोस को लाइक कर लेना। गाइज, सुबह के बज गए हैं 5:15 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है उज्जैन, महाकाल की नगरी। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल हैंडसम सर का ब्लॉग। लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, हम आ गए हैं स्टेशन के बाहर और अभी यहाँ से करेंगे रिक्शा करके फिर हम जाएंगे। भाई बैठ गए रिक्शे में और जा रहे हैं मंदिर। सो फाइनली गाइस, पहुँच गए हम हमारे लास्ट डेस्टिनेशन पे और यहाँ से मंदिर है सिर्फ 100 मीटर, यानी 100 मीटर की दूरी पे। और हमने होटल में रूम ले लिया है और रूम लिया है नॉन एसी, क्योंकि अभी मौसम यहाँ पे ठंडा ठंडा है इस वजह से। दिखाते हैं आपको रूम कैसा है। तो ये है रूम, रूम तो बड़ा है। ये मेरी बिटिया बैठी है और ये ब्लॉग बना रहा है अपना। और सच्ची बताऊँ, ये रूम हमें कितने में पड़ा है? ये रूम पड़ा है हमें 1000 रुपये में 24 घंटे के लिए। तो आई थिंक ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है जिस हिसाब से है। किसी ने मुझे बोला था 600-700 रुपये में रूम मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे आते ही 300 रुपये हमारा बजट बढ़ गया है और हमारे पास बजट लिमिटेड है। तो ये है बाथरूम, बाथरूम भी दिखा देता हूँ आपको। बाथरूम तो बहुत बड़ा है भाई, है ना हाँ बहुत बड़ा है। तो चलिए आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। और जब भी आप आओ ना भाई यहाँ पे, तो रूम का जो बजट है कम से कम 2000-2500 रुपये लेकर चलो, अच्छे होटल में। अच्छा ठीक है, और ऐसे जैसे हमारे जैसे टाइम पास करना है तो फिर 1500 रुपये मिनिमम रूम का बजट लेकर चलो। तो और भी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना और बने रहना मेरे साथ। देखते रहना मेरा यूट्यूब चैनल हैंडसम सर का ब्लॉग। लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। सो गाइज, नहा धो के हो गया हूँ तैयार और ये है मेरा आज का आउटफिट। ऋषभ भी तैयार हो गया, सिमरन भी तैयार हो गए और अभी हम निकल रहे हैं रूम से। पहले जाएंगे नाश्ता करेंगे क्योंकि पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा, फिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो क्योंकि दर्शन करने में हो सकता है भाई 4 घंटे भी लग जाए, 5 घंटे भी लग जाए, तो भूख के मारे हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा खा के तब जाएंगे मैं भूखा नहीं रह सकता। चलिए चलते हैं, स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। जहाँ तक फ़ोन अलाउ है वहाँ तक मैं वीडियो बनाऊँगा, जहाँ पे फोन अलाउ नहीं होगा नहीं बनाऊँगा, ठीक है। चलिए, जय श्री महाकाल, जय महाकाल। तो बाहर का कुछ इस तरह है नज़ारा और इसके आगे बस 100 मीटर जाना है और मत्था टेक के आना। तो रिक्शा वगैरह जो होते हैं वो 100 मीटर से पहले ही रोक दिया जाता है, उसके बाद फिर ये। और अभी बज रहा है 8। पापा मटर पनीर खाओगे? मटर पनीर तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं
दर्शन करने के लिए, और चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं। पहले कुछ खा पी लेते हैं, ऋषभ इशारा कर रहा है भाई कुछ खाओ तो सही, फिर चलते हैं। क्या खाएंगे बोलो? तो भाई हम लोग नाश्ता करने आए हैं और यहाँ पर कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं। सिमरन ने समोसा लिया, मैंने भी समोसा लिया, आ जाओ आप भी खाने के लिए। तो भाई नाश्ता हो गया और नाश्ता करने के बाद अब हम निकल रहे हैं दर्शन करने के लिए। और सच्ची बताऊं भाई, जो समोसे के साथ चटनी थी वो बहुत टेस्टी थी ना, बहुत। और ये ऋषभ जा रहे हैं आगे और वो सामने स्क्रीन लगा हुआ है। तो भाई ये है मंदिर, आप दर्शन कर लो। अंदर पता नहीं अलाउ होगा कि नहीं होगा, कह नहीं सकते। किचन, वाओ, आ रहे हो वापस। 10 रुपए का सिर्फ किचन। ये देखो 10-10 रुपए के किचन, क्या बात है। और यहाँ से है एंट्री। चलो स्किप मत करना, पूरा देखना, जहाँ तक कैमरा अलाउ है वहाँ तक दिखाते रहेंगे आपको। गाइस आज है संडे और संडे को काफ़ी भीड़ रहती है, सैटरडे संडे और मंडे को तो रहते ही रहते हैं, तो सबको पता है। तो ये 2-3 दिन भीड़ बहुत रहती और हम पहुंच गए हैं संडे को। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दर्शन कर लीजिए भाई। सो भाई मंदिर परिसर में दाखिल हो चुके हैं और जूते चप्पल काउंटर पे जमा करवा दिए। तो भगवान की मर्जी है, कुछ और चाहे तो आधे घंटे में भी हम तो 1-2 घंटे भी जाते, देखते हैं जितना घंटे जाएगा चलेगा। भगवान से तो मिलने जा रहे हैं, मीन्स उनके दर्शन लेने जा रहे हैं। चलो तो आप दर्शन कर रहे हैं महाकाल के, उज्जैन श्री महाकाल। अंदर शायद कैमरा अलाउ नहीं होगा तो आप लोग बाहर से ही दर्शन कर लीजिए। देखो और भाई भीड़ तो देख के डर लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ये दर्शन करके निकले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और काफी भीड़ है भाई आज,
तेरे पीछे देखो पूरी भीड़ है। तो वे भीड़ देखिए हर हर महादेव। बहुत भीड़ होगी लेकिन है भीड़, बट इनका जो दर्शन कराने का तरीका है वो थोड़ा अच्छा है। आधे घंटे में हम यहाँ तक पहुँच गए, अभी एक घंटा और लगेगा। तो भाई मैंने आपको भी दर्शन करवा दिए और हमने भी दर्शन कर लिए। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.